सर्दियां आते ही ड्राई स्किन की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, खासकर पैरों की ड्राई स्किन। क्रैक हील या अन्य कई प्रॉब्लम देखने को मिलती है। महंगे मॉइस्चराइजर या क्रीम्स का इस्तेमाल करने से कुछ समय तक राहत मिलती है, लेकिन इसका असर जल्द ही खत्म हो जाता है। पैरों को स्क्रबिंग की ज़रूरत होती है, जिससे स्किन में मौजूद डेड सेल्स बाहर निकलते हैं और त्वचा में नमी बनी रहती है। इसके लिए हमें स्क्रब की ज़रूरत है, जो आपके पैर हमेशा सॉफ्ट और स्मूथ बनाए रखेंगे। आइए देखते हैं कुछ स्क्रब जो घर पर बनाए जा सकते हैं। लेमन फूड स्क्रब। बाउल में 2 कप शुगर और 1/2 कप नारियल का तेल डालें। फिर इसमें लेमन एसेंशियल ऑयल की 6 से 8 बूंदें मिलाएं। अब इस स्क्रब को अपने पैरों पर लगाकर रगड़ें। नहाने से 5 मिनट पहले अपने पैरों को धो लें। इससे आपको अपने पैरों में रिफ्रेशिंग स्पा ट्रीटमेंट जैसा फील होगा। मिल्क स्क्रब। टब में 1 कप दूध, 5 कप गुनगुना पानी डालें। अब इस पानी में अपने पैरों को 5 से 10 मिनट के लिए डुबोकर रखें। फिर एक बाउल में 1/2 कप बेबी ऑयल और 4 चम्मच चीनी या नमक डालें। पेस्ट को पैरों पर लगाकर सर्कुलर मोशन में मसाज करें। अपने पैरों की फटी एड़ियों को प्यूमिक स्टोन के साथ अच्छे से रगड़ें। अब अपने पैरों को धोकर अच्छे से सुखा लें। पैरों पर अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाएं या पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करें। पेपरमिंट फूड स्क्रब। एक जार में 2 कप शुगर और 10 से 12 बूंदे पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल की मिलाकर स्क्रब तैयार करें। अब इसको अपने पैरों की ड्राई स्किन पर लगाकर अच्छे से स्क्रबिंग करें और अच्छे से मसाज करें। इसके बाद मॉइस्चराइजर लगाकर मोजे पहन लें। स्क्रब में मौजूद शुगर आपके पैरों की ड्राई स्किन को एक्सफोलिएट करेगा। ग्रेप्स ऑयल स्किन के अंदर से मॉइस्चराइज करेगा और पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल से पैरों की मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करेगा। अगर आपके पैर हमेशा थका महसूस करते हैं तो उन्हें रिलैक्स करने के लिए ये स्क्रब काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। एक बर्तन में गर्म पानी डालकर इसमें 2 टेबलस्पून विनेगर और थोड़ा सा नमक मिला लें। अब इस पानी में अपने पैरों को 20 मिनट के लिए डुबोकर रखें। फिर पैरों को सुखाकर मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें और मोजे पहन लें। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।